हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था गॉड स्पीड के साथ हुए लड़ाई को अब 6 महीने गुजर चुके हैं, जहाँ पर फ्यूचर से एक एलियन डेस्परो की एंट्री हुई थी, जो फ्यूचर में हुए तबाही का जिम्मेदार फ्लैश को मानकर इसे जान से मारने के लिए यहाँ पहुँचा है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत स्टार लैब से होती है, जहाँ पर डेस्परो बैरी को बताता है फ्यूचर में फ्लैश पागल होने वाला है और उसी पागलपन में ये पूरी दुनिया को नष्ट करेगा। इसके बावजूद भी बैरी की बात सुनकर डेस्परो बैरी को 7 दिन की मोहलत दे रहा है, ताकि बैरी इन 7 दिनों में खुद को बेकसूर साबित करे। तब तक डेस्परो की तीसरी आंख की नज़र बैरी पर ही रहेगी। एक गलती और डेस्परो बैरी की जान ले लेगा। अब इतना बोल डेस्परो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब सभी फ्लैश टीम इन बातों को लेकर काफ़ी परेशान होते हुए एलेक्स यानी कि सुपर गर्ल की बहन से वीडियो कॉल कर बात करते हैं और इसे डेस्परो के बारे में पता लगाने बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सुपर गर्ल टीम का तो यही काम ही होता है, धरती पर आए एलियंस को ख़त्म करना। अब यहाँ पर कॉल करते ही फ्रोस्ट इन लोगों को बोलती है, क्या पता डेस्परो सही हुआ तो, पहले भी तो फ्लैश 2 बार बुरा बन चुका है ना, और लोगों को नुकसान भी पहुँचाया है, मे बी फ्यूचर में भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला हो। कि तभी यहाँ पर बैरी आ जाता है और अपने टीम को यह भरोसा दिलाता है, चाहे कंडीशन जो भी हो, बैरी खुद पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं खोएगा, क्योंकि डेस्परो के मुताबिक बैरी पर फ्यूचर वाली चीज़ों का असर कल से ही शुरू होने वाला है। बैरी इस वक्त अपने टीम को आने वाली मुसीबत के लिए रेडी रहने बोल इस वक्त आराम करने भेज देता है, जहां सबके जाने के बाद फ्रोस्ट यहां पर रुककर चेस्टर को कुछ ऐसा वेपन तैयार करने बोलती है, जिससे कि डेस्परो को रोका जा सके। अब चूंकि फ्रेंड्स चेस्टर हथियार बनाने में कम्फर्टेबल नहीं था, क्योंकि चेस्टर खून खराबे में यकीन नहीं करता था, पर इसके बावजूद भी बैरी की जान बचाने के खातिर चेस्टर फ्रोस्ट की बात को गौर करते हुए इस बात पर राजी हो जाता है। तो ही अब अगली सुबह आगे आने वाली मुसीबत वाली बातों को सोच सोच कर बैरी काफ़ी परेशान हो रहा होता है, जहां आयरिस इसे दिलासा देती है कि हर बार की तरह आने वाले प्रॉब्लम से इस बार भी फ्लैश टीम बाहर जरूर निकल पाएंगे। कि तभी यहाँ पर बैरी को CCPT से क्राइम सीन पर पहुँचने का मैसेज आता है, जहाँ जाने पर बैरी को पता चलता है बैंक का एक गार्ड अचानक से पागल जैसा बिहेव करते हुए सारे स्टाफ पर अटैक करके पैसे चुराने की कोशिश करी है। अब ये सुन बैरी को डेस्परो की बातें याद आ जाती है कि डेस्परो भी तो यही सिम्टम के बारे में बता रहा था ना, कहीं चीज़ें आपस में कनेक्टेड तो नहीं है ना। अभी बैरी यहाँ पर कोई कंक्लूजन पे पहुँच ही पाता, तभी यहाँ पर क्रिस्टिन आ जाती है और इससे बोलती है इसे CCPD से सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि मेयर को अचानक से बैरी के खिलाफ सबूत मिले हैं कि जोसेफ कार्बर के साथ सनशाइन की तरह बैरी भी उससे मिला हुआ था। तो फ्रेंड्स जोसेफ कार्बर याद है ना आपको, वही जो मिरर वर्स में ईवा का हस्बैंड था। अब यहाँ पर ये बात सुन बैरी तो दंग रह जाता है। तभी बैरी की नज़र सामने खड़े डेस्परो पर पड़ती है, जो कि यहीं से बैरी को देख रहा होता है। दरअसल डेस्परो अपनी तीसरी आंख को बैरी के पीछे फुल टाइम लगा देता है, ताकि बैरी कोई गलती करे और तब डेस्परो इसकी जान ले ले। वहीं अब चूंकि ये मेयर के तरफ से ऑर्डर था, क्रिस्टिन भी कुछ नहीं कर पाती है, जहां बैरी अब अपने CSI वाला बैच को क्रिस्टिन को देकर खुद यहां से निकल जाता है और अपने डिफेंड के लिए सेसिल के पास पहुंचता है। तब सेसिल और बैरी इस सिलसिले में जब बातें कर रहे होते हुए आपस में, सेसिल यहां पर फील करती है कि यहां इस कमरे में इन दोनों के साथ कोई और भी है। तभी बैरी साइड में देखता है डेस्परो यहां पर इनकी सारी बातें सुन रहा है, जिसे देख बैरी अब डेस्परो को यहां से भगा देता है, ये बोलकर कि इस वक्त हम प्राइवेट डिस्कशन कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तो यहाँ से जाओ। जिसे सुन डेस्परो अपनी तीसरी आंख बंद कर लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है। आगे चूंकि बैरी को लगता है चूंकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, बैरी उसी गार्ड से मिलने जाता है जो कि मेंटल असाइलम में है, जिसे चोरी करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर बैरी देखता है ये गार्ड लेटे लेटे ऑक्स्टार नाम बार बार जप रहा होता है। अब बैरी कुछ समझ पाता कि आखिर ऑक्स्टार है क्या। बैरी को कैथलीन का कॉल आता है कि फौरन स्टार लैब पहुँचो, और जैसे ही बैरी यहाँ स्टार लैब पहुँचता है, ये देखता है CCDBS के आदमी आकर स्टार लैब को सील कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर हाई रेडिएशन होने का शक है, जिससे यहाँ आसपास के नागरिकों को दिक्कतें हो रही है। जिसे सुन जब चेस्टर अपने सारे कनेक्शन को चेक करने लगता है, यहाँ पर सच में यही गड़बड़ी होती है। अब ये अचानक कैसे हो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता। अब भाई चूंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था, स्टार लैब सील होने ही वाली थी, तब बैरी यहाँ पर सबसे पहले तो अपने टीम को अपने सारे जरूरी सामान को पैक करने बोल, खुद टाइम वोल्ट रूम में जाकर गिडियन से बोल अपने स्पीड लैब और सीक्रेट चीज़ों को होलोग्राफिक इमेज के जरिए छुपवा देता है, और फिर आखिर में गिडियन को इसके सारे एक्सपेरिमेंट और मेटा ह्यूमन रिकॉर्ड डिलीट करने या फिर कहीं सेफ जगह पर सिक्योर करने बोलता है। इसके लिए गिडियन बताती है कि सिर्फ एक ही उपाय है, गिडियन को हमेशा के लिए शट डाउन करना पड़ेगा,
जिसे सुन अब चूंकि बैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अपनी टीम को बचाने के लिए बैरी यहाँ पर गिडियन को शट डाउन कर देता है, जिसके बाद अब सभी स्टार लैब से अपना सामान लेकर निकल जाते हैं और स्टार लैब को सील कर दिया जाता है। आगे बैरी इन तीनों को लेकर अपने घर लाता है और इनसे एक्सटार के बारे में डिस्कस करता है जो कि गार्ड को बोल रहा था। अब पर चूंकि इनके पास अभी स्टार लैब वाली फैसिलिटी नहीं थी, ऑक्सटार के बारे में पता करने की ड्यूटी बैरी आइडिस को दे देता है। जाहिर है अब आगे पता चलता है कि ऑक्सटार एक मेटा क्रिमिनल है जो विक्टिम के दिमाग को पागल कर चोरी किया करती है। अब ये सुन फ्लैश फौरन ही ऑक्सटार को ढूंढते हुए नेशनल सिटी पहुंचता है, जहां पर ऑक्सटार इस वक्त अपने काम पर ही लगी पड़ी होती है, जिसे जब फ्लैश पकड़ने की कोशिश करता है, ये फ्लैश पर ऐसा जादू करती है कि फ्लैश अब सीधे यहाँ से अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जहाँ वे फ्लैश से काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक फ्लैश कुछ देर पहले यहाँ आकर अपने ही दोस्तों को मारने की कोशिश करी है, जहाँ पर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बैरी कैथलीन से अपने माइंड को स्कैन करवाता है, जहाँ पर बैरी का माइंड बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। तब ये लोग भी बैरी पर यकीन करने लगते हैं कि ये सच बोल रहा है। आगे बुक स्टार और डिस्प्रो का सामना करने के लिए एलेग्रा और चेस्टर स्टार लैब से लाई चीज़ों का सेटअप करने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं और फ्लैश दोबारा से ऑक्सटार को ढूंढने निकल पड़ता है, पर तब तक ऑक्सटार यहाँ से अपना काम करके गायब हो चुकी थी। पर हम डिस्प्रो को देखते हैं, उसकी नज़र अभी भी बैरी पर ही होती है, जिसे देखकर बैरी इससे पूछता है, एक बात तुम बताओ मुझे, तुम तो एक एलियन हो ना, तो ये तुम्हारी दुनिया कैसे हो सकती है जिसकी तबाही का कारण तुम मुझे बताकर बेताल की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। जवाब में डिस्प्रो बताता है, दरअसल इसका असली घर कैलेनोर प्लैनेट पर था, जहाँ एक क्राइसिस में इसकी पूरी प्लैनेट ही खत्म हो गई। इसने अपने आंखों के सामने ही अपनों को दम तोड़ते हुए देखा, पर ये किसी तरह वहाँ से बच गया और यहाँ पर अर्थ पर आ गया। तब से इसी अर्थ को डिस्प्रो अपनी दुनिया बना ली। चूँकि डिस्प्रो के पास टाइम ट्रेवल की पावर थी, ये अपने घर को सुरक्षा रखने के लिए फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर देख रहा था। ये अपने इस नए घर की सुरक्षा के लिए फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके देखने गया था, जहाँ पर इसने देखा फ्लैश के हाथों अपने घर को वापस से उजड़ते और ये चीज़ें डिस्प्रो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए फ्लैश को मारने यहाँ आ गया। अब इतना बताकर डिस्प्रो यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये अब आगे हम चेस्टर को देखते हैं, जो कि अपनी नई सेटअप तैयार करने के बाद ऑक्सटार के लोकेशन को चेक कर फ्लैश को बताता है। अब ये सुन जैसे ही फ्लैश इस बार ऑक्सटार के लोकेशन पर पहुंचता है, ये देखता है ऑक्सटार इस बार गाड़ी से जा रही एक महंगी पेंटिंग को चुरा कर यहां को लोगों को पागल करते हुए यहां से जा रही है, जिन्हें कि फ्लैश आते ही बारी बारी कर पहले तो यहां से ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है और एक बार फिर से ऑक्सटार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब एक बार फिर से फ्लैश को कुछ करने से पहले ही ऑक्सटार अपनी पावर से इसे हवा में उड़ा देती है और फ्लैश के अंदरूनी बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लगती है। अब फ्लैश की बॉडी की एक्टिविटी देख दूसरी तरफ से कैथरीन फ्लैश को बताती है, इसे ऑक्सटार की पावर से लड़ने के लिए अपनी बॉडी में बहुत सारा लाइटनिंग पैदा करना पड़ेगा, जिसे सुन अब हमारा फ्लैश हवा में रहने के बावजूद भी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक साथ इस्तेमाल कर पूरी बॉडी में लाइटनिंग पैदा कर लेता है, जिसका प्रभाव इतना तेज होता है कि ऑक्सटार इसके वार से सीधे दूर जाकर गिरती है। तब फ्लैश फटाक से ऑक्सटार के हाथों को पावर डैम्पिंग लॉक से लॉक कर देता है और इसे आयरन हाइट भेज देता है और फिर खुशी खुशी वापस अपने दोस्तों के पास लौट आता है और साथ ही एक गेट टुगेदर वाले डिनर के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करता है। तब कैथलीन चेस्टर और एलेग्रा बैरी को बोलते हैं, हम पार्टी कैसे कर सकते हैं, तुम्हें याद नहीं जो अब हमारे बीच नहीं है। जिसे सुनकर बैरी पूरी तरीके से हिल जाता है कि अब जोई को क्या हुआ, और फिर भागता हुआ जोई के घर जाता है, जहां आइरिस और सेसिल से इसे पता चलता है जोई तो 6 महीने पहले ही मर चुका है। अब एक शॉकिंग बात बैरी सुन ही रहा होता है, तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है फ्लैश को लेकर, कि फ्लैश पागल हो चुका है, सेंट्रल सिटी के नागरिकों को मारते फिर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब ये चल क्या रहा है, आखिर कौन क्या रहा है, ये हम व्यूअर्स के साथ साथ बैरी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वक्त में इतने सारे चेंजेस अचानक हुए कैसे। तभी हम यहाँ पर डिस्प्रो को देखते हैं, जो कि न्यूज देखकर बैरी को मारने यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे जब सेसिल अपने घर से भगाने को बोलती है, डिस्प्रो यहाँ अपनी पावर से सेसिल को सुला देता है और फिर बैरी पर अटैक करके गिरा देता है। तभी यहाँ पर एन वक्त पर चेस्टर अपने द्वारा बना एक टावर वेपन लेकर आ जाता है, जिससे कि कुछ क्षण के लिए जब डिस्प्रो विचलित हो जाता है, बैरी मौका पाकर यहाँ से भाग निकलता है, जहाँ पर एपिसोड के आखिर में बैरी इस सिचुएशन से निकलने के लिए जस्टिस हाउस में जाता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात जेफरसन यानी कि ब्लैक लाइटनिंग से होती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।